गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। टूडेज वीडियो आई एम डूइंग दिस मेकअप लुक विच इज ब्लैक स्मोकी आईज एंड हल्का सा मैंने बीच में वाइट शिमरी आई शेडो लगा दिया है। सो इफ यू लाइक दिस मेकअप लुक, अगर आप देखना चाहते हो इस मेकअप लुक को कि मैंने कैसे क्रिएट किया और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट में मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है और बहुत ही ईजी। अगर आप कहीं जाते हो, कहीं पार्टी में जाते हो या फिर आप कहीं भी ये मेकअप लुक करना चाहते हो तो बहुत ईजिली कर सकते हो। If you're interested to seeing this makeup look, so keep watching and without a further ado, let's get started. और हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को मेरे शेयर सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा फ्यूचर में आने वाला वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की। सो शेयर सब्सक्राइब कर विदाउट अ फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगी गुलाबरी रोज़ वाटर फॉर टोनिंग। ये एज अ टोनर बहुत अच्छा काम करता है तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी डैबिंग मोशन में, अच्छे से अपने फेस में से एब्जॉर्ब करा लूँगी लाइक डैबिंग करके। और उसके बाद मैं गाइस यहाँ पे नीविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये एक लाइट, बहुत लाइट मॉइस्चराइज़र है। तो इन समर मेक श्योर गाइस जब भी आप मेकअप करो तो उससे पहले आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो, जो भी आप डेली यूज़ में आप स्किन केयर करते हो उससे मेकअप अच्छा होता है। यहाँ पे गाइस मैं लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए वैसे ही यूज़ कर रही हूँ, उसे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। उसके बाद गाइस मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर। ये प्राइमर बहुत अच्छा वर्क करता है तो इसकी टेक्स्चर सिलिकॉन बेस्ड है इसलिए ये प्राइमर का वर्क कर देता है और पोर्स भी एक्टिव क्लोज कर देता है कुछ हद तक। तो मैं यहाँ अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद गाइस मैं यहाँ एनवाईपी का फाउंडेशन स्टिक यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 07 येलो कुछ करके है। मैं इसका शेड वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। फिर इसे मैं ब्लेंड करने के लिए गाइस यहाँ पे एक वेट टैम ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, उसके हेल्प से मैं इसे टैबिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये गाइस ये बहुत क्रीमी, अगर आप मॉइस्चराइज अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करके इसे लगाओगे तो ये बहुत क्रीमी वर्क करता है और ब्लेंड भी बहुत जल्दी रहता है और कवरेज भी ठीक ठाक दे देता है। तो यहाँ पर मैं ये यूज़ करूँ। आप नेक पे भी गाइस अपने फाउंडेशन या फिर जो भी आप यूज़ करो नेक को मत भुला करो, या फिर वो आपके फेस से डिफरेंट दिखने लगता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं अपने मेकअप को सेट करने या बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेला वॉश का कॉम्पैक्ट पाउडर इन डी शेड 002 आइवरी टच। या मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी अपने मेकअप को, ताकि ये समर है तो समर में आपके मेकअप बहुत जल्दी क्लीज हो जाते हैं तो जो ऑयली स्किन है उनको तो मस्त हो जाता है मेकअप को सेट करना। अब मैं गाइस यहाँ पे हिलारी रोटा का पैलेट ले रही हूँ इन दी शेड 02, ये मेकअप किट है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे पिंक कलर शेड लेके अपने क्रीज पे ब्लेंड करूँगी। आपको गाइस अगर आप आई मेकअप अच्छा चाहते हो तो ब्लेंडिंग ब्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जितना ब्लेंड करोगे उतना आपका आई मेकअप लुक अच्छा लगेगा। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे ब्लैक शेड लेके ब्लैक कलर लेके और मैं अपने मतलब हाफ मैं अप्लाई करूँगी। मैं अच्छे से ब्लैक कलर लेके अप्लाई कर लूँगी। आपके पास कोई भी पैलेट हो तो आप बस ये है कि उसमें ब्लैक कलर आना चाहिए। उसके बाद मैं गाइस यहाँ पे ब्रश लेके पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई चीज़ हार्श ना लगे। उसके बाद मैं फिर ग्लिटर लेके अच्छे से अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं गाइस दूसरे आई का आई लुक ऑफ कैमरा कर लिया। उसके बाद मैं गाइस यहाँ पे लूँगी ब्लू हेवन का वॉक फ्री आई लाइनर। आज मैं यहाँ पे आई लाइनर ड्रॉ करूँगी गाइस, जो कि बहुत ही सिंपल है लाइक सिंपल विंग आई लाइनर। Thank you.
फिर मुझे हाईलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक आई के नीचे और जहाँ जहाँ भी आपके डार्क स्पॉट्स या फिर डार्क सर्कल्स हैं और वहाँ हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। इसमें मेरा शेड है बाय द वे गाइस 05 मीडियम में। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करूँगी अच्छे से डेलिनेशन। मेक श्योर आपने जब भी कंसीलर फाउंडेशन लगा उसे डैबी मोशन में अप्लाई करो, कभी भी ड्रैग मत किया करना करो या फिर वो सारा बेस हट जाएगा। उसके बाद मैं इसे सेट करूँगी बेला हाउस के कॉम्पैक्ट पाउडर से इन दी शेड C002 आइवरी टच, ताकि मेरे कंसीलर या फाउंडेशन जो भी है वो क्रीज ना। उसके बाद मैं गाइस यहाँ यूज़ करूँगी मालियाओ का चार्मिंग मस्कारा, ये जेल फॉर्म है तो ये समर के लिए बेस्ट है। मैं अच्छे से अपने आईलैश पे इसे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे आईब्रो फिल करूँगी इसी पैलेट में से ब्राउन और ब्लैक शेड मिक्स करके, हिलारी रोडा का ये पैलेट है। ये गाइस मैं इसी पैलेट में से ब्लश शेड लेके ब्लश अच्छे से अप्लाई करूँगी चिक्स पे। आपके पास अगर आप ब्रश ज़्यादा कम्फर्ट हो अप्लाई करने में तो आप ब्रश कर लेना, बट यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लश अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं गाइस इसी पैलेट में से सेम हिलारी रोडा पैलेट में से हाईलाइटर लूँगी और अपने लाइक हाईलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज, चिक्स, क्यूपिड्स बो, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग करेगा फॉरहेड हर जगह में अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं गाइस इसी ब्राउन शेड लेके जिससे मैंने आईब्रो फिल किया था उसी से मैं कॉन्ट्रोलिंग कर लूँगी, लाइक आपका फेस चीजन देखे और जहाँ से आप कॉन्ट्रोलिंग करना चाहते हो वहाँ वहाँ कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लेके अपने आईलैश को लाइक लोअर लैश लाइन को मैं यहाँ पे ब्लैक आई शेडो से यूज़ करूँगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे वाइट शिमरी आई शेडो लेके अपने कॉर्नर ऑफ द आई हाईलाइट कर लूँगी। गाइज यहाँ पे वही हाईलाइटर शेड लेके अपने आईब्रो के पास भी हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं गाइज यहाँ पे लूँगी NY बेका का वाइट काजल। वाइट काजल से आपकी आई बड़ी लगती है और शार्प आपका आई लुक आता है। लास्ट में गाइज यहाँ पे यूज़ करूँगी हिलारी डोडा का लिपस्टिक इन शेड 08। आप चाहो तो अपने हिसाब से लिप शेड यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अपना लिप शेड चेंज करने के लिए गाइस यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर हल्का सा अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी, इससे मैटी लुक भी आ जाता है और अच्छा भी लग रहा था। सो गाइस हियर इज माय फाइनल लुक।